हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब क्लास नाइन फिजिक्स का चैप्टर है साउंड इसके पेज नंबर 136 ओल्ड बुक के लिए पेज नंबर 170 पे इंटेक्सट क्वेश्चन है आज के वीडियो में हम इसको देखेंगे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर एवरेज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या होती है आप लोगों ने क्लास एर्थ में भी पढ़ा था फिर से देखते हैं द एवरेज ह्यूमन ईयर कैन हीयर साउंड विद इन दी फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स दिस रेंज इज रिफर टू एज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमनिंग ट्वेंटी हर्ट से लेकर के ओके okay, और ट्वेंटी किलो हर्ट्स या ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स भी बोल सकते हैं इस बीच की जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज या ऑडिबल रेंज कहलाती हैं क्यों ऑडिबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इनको सुन सकते हैं ठीक है इसके ऊपर या नीचे की जो फ्रिक्वेंसी है उनको ह्यूमन सुन नहीं पाते हैं ट्वेंटी किलो हर्ट से ऊपर की अगर कोई साउंड क्रिएट हो रही है तो वो साउंड है ओके लेकिन हम उसको नहीं सुन पाएंगे ट्वेंटी हर्ट्स के नीचे अगर कोई साउंड क्रिएट हो रही है जैसे आपके घर में अगर एक वॉल क्लॉक है जिसके नीचे पेंडुलम चलता रहता है वो पेंडुलम भी एक साउंड क्रिएट कर रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है आप हैंड हिलाते हो शेक करते हो उसमें भी फ्रीक्वेंसी है उसमें भी साउंड डेवलप हो रही है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक है तो एक एवरेज जो है ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी हर्ट्स की साउंड हर ह्यूमन सुन लेगा उनकी ऑडिबल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कुछ लोग ट्वेंटी फाइव हर्ट्स थर्टी हर्ट फिफ्टी हर्ट्स इवन ओल्ड एज में जाने के बाद में ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक साउंड नहीं सुनाई देती हैं नीचे हंड्रेड हर्ट के ऊपर ही सुनाई देती हैं ठीक है तो इस तरीके की चीजें होती हैं लेकिन अगर एवरेज देखें तो ट्वेंटी हर्ट से लेकर के ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक ह्यूमंस जो है जो फ्रीक्वेंसी है इस ऑडिबल तो, रेंज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं ठीक है वॉट इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज एसोसिएटेड विथ इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है अल्ट्रासाउंड सॉरी इंफ्रासाउंड जो है साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो ट्वेंटी हर्ट आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इन्फ्रासाउंड देखिए ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट हमने एक पार्ट निकाल दिया वो इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग उसको सुन सकते हैं हमारे लिए ऑडिबल रेंज है अब ट्वेंटी हर्ट से नीचे की जितनी हो गई ठीक है उनको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं या इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं ठीक है थेके? और अल्ट्रासाउंड कौन सी हो गई जो ट्वेंटी किलो हट से हायर हो गई ठीक है हमारे ऑडिबल रेंज के नीचे इंफ्रासाउंड है ऑडिबल रेंज के ऊपर अल्ट्रासाउंड है ट्वेंटी किलो हर्ट्स से ऊपर की जो हो गई फ्रीक्वेंसीज हायर देन ट्वेंटी किलो हर्ट अल्ट्राउंड अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे टिल देन बाय